प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर से 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन ने पीएम मोदी का उनके आवास पर स्वागत किया। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुछ खास तोहफे लेकर पहुंचे। पीएम ने प्रेसिडेंट बाइडेन को एक एंटीक सिल्वर ट्रेन का मॉडल गिफ्ट किया। इसके अलावा अमेरिकी की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को मोदी ने पश्मीना शॉल तोहफे में दिया। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि पीएम मोदी इतनी विदेश यात्राएं क्यों करते हैं और इससे देश का क्या फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कूटनीतिक गतिविधियों ने भारत को ग्लोबल अटेंशन के केंद्र में ला दिया है। पीएम मोदी की इटली में G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थिति और उसके बाद रूस और यूक्रेन की यात्रा और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बर्लिन यात्रा ने कूटनीतिक बढ़त हासिल की है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और विदेश मंत्री एस जयशंकर बर्लिन यात्रा में भी युद्ध में फंसे दो देशों के बीच संवाद को सुगम बनाने और संभावित रूप से मध्यस्थता कराने में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत देती है। इसके साथ ही पीएम मोदी की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बर्लिन यात्रा भी युद्ध में फंसे दो देशों के बीच संवाद को सुगम बनाने और संभावित रूप से मध्यस्थता कराने में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत देती है। इसके साथ ही पीएम मोदी की बहुआयामी कूटनीति देखकर दुनिया के कई देश दंग है। गौरतलब है कि एक के बाद एक ये पीएम मोदी की तीसरी यात्रा है। पहले रूस, फिर यूक्रेन और अब अमेरिका, जहां पूरा विश्व रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के जंग की केवल सुर्खियां देखने में दिलचस्पी दिखा रहा था, वहां पीएम मोदी ने मॉस्को में रूस के साथ रक्षा, व्यापार और ऊर्जा में दशकों के सहयोग पर आधारित संबंध और अपनी ऐतिहासिक साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कीव की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत के अटूट समर्थन को जाहिर किया। उन्होंने हिंसा की निंदा की और यूक्रेनी लोगों को मानवीय सहायता की पेशकश की, साथ ही दुश्मनी को फौरन समाप्त करने की जरूरतों पर जोर दिया। भारत का दृष्टिकोण रणनीतिक स्वायत्तता के दीर्घकालिक विदेश नीति सिद्धांत पर आधारित है, जो स्वतंत्र निर्णय लेने को प्राथमिकता देता है और किसी विशेष शक्ति समूह के साथ गठबंधन से बचाता है। ये दृष्टिकोण व्यवहारिक है और भारत के हितों को पहले रखता है। इसे ही भारत की बहुमुखी कूटनीति कहते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।